नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय साहनी और अपने चैनल अजय साहनी क्रिएशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बताएंगे कि आप घर बैठे फ़ोन पे एप्लीकेशन के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान कैसे करेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन से फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। इस तरह से ओपन होगा। इसमें आप ये वाला ऑप्शन इलेक्ट्रिक सिटी, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड आपको ढूंढना होगा, JBVNL। ये देखिए, ये रहा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कंज्यूमर नंबर मांगा जा रहा है। कंज्यूमर नंबर आपको अपने बिजली बिल में मिल जाएगा, जैसा कि मेरा जो है वो मैं डाल देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैंने अपना कंज्यूमर नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे सब डिवीज़न नेम आपके एरिया के अनुसार, आपका एरिया में जो भी आता हो, मेरा तो जैसे गोमिया कठारा आता है, वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए गोमिया और कठारा, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद आप कंफर्म करेंगे, कुछ देर वेट करेंगे, प्रोसेसिंग ले रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए कंज्यूमर नंबर हमारा दिख रहा है और ये ड्यू डेट 1 अगस्त 2018, 152 रुपये हमारा बकाया है। यहाँ पे आप दो माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या तो अपने अकाउंट के ज़रिए या फिर अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास हो। तो यहाँ पे मैं अपना 152 रुपीज़ अपने अकाउंट से डेबिट करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं पे बिल में कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे UPI पिन जो आप सेट करके रखे होंगे वो डालना होगा आपको। यहाँ पे जैसा मेरा UPI पिन जो है मैं डाल देता हूँ। डाल के कन्फर्म कर देंगे। यहाँ पे देखिए सेंडिंग पेमेंट रिक्वेस्ट हो रहा है, आप कुछ देर वेट करेंगे। ये देखिए बिल पेमेंट सक्सेसफुली, ये हमारा बिजली बिल आसानी से जमा हो गया है घर बैठे। ये टाइम देख सकते हैं आप, 12:06 में 11 अगस्त 2018 को मैंने अपना बिजली बिल घर बैठे जमा कर दिया है। इस तरह आप आसानी से बिना बिजली ऑफिस जाए हुए घर बैठे बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जल्द और भी आगे नया वीडियो आपके लिए ला सकूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।